एक हिस्ट्री रही है मुंबई इंडियंस की, पहले भी उन्होंने स्टील किया है लिटरली ट्रेंट बोल्ट को, क्विंटन डिकॉक को, हार्दिक पांड्या को. ट्रेड वर्ड यूज हो रहा है बट मैं स्टील वर्ड यूज करना चाहूंगा. ऐसा नहीं है यार, क्रिकेट है, क्लब है, वो लीग पूरी पैसे के ऊपर बनी हुई है भाई. पैसे के लिए चल रही है. तुम भी 15 रुपए दिन के लगाते हो एक सर्टेन वेबसाइट पे और दुआ करते हो कि ना चले हार्दिक पांड्या आज, प्लीज भगवान मेरे 105 हो जाए, इसका पावर प्लेयर है मेरा नहीं है, ये करते हो. आरसीबी ने कहा कि एक सेकंड, ऐसे उन्होंने देखा इधर से एक तीर निकला उधर छोड़ा उछाल दिया आरसीबी ने, अपना हाथ भी नहीं पिच वाला ही छाल दिया हवा में. उन्होंने कैमरन ग्रीन ले लिया यार, 17 करोड़ में कैमरन ग्रीन को उठा के रख लिया अपने पास यार. कह रहे मुंबई इंडियंस पांड्या नहीं ले पा रही, पैसे कम पड़ो हमें ना. उनका है कि ट्रॉफी जीतने के अलावा जो करना है सब करेंगे. जब MI वर्सेस GT होगा तो GT से 12 प्लेयर खेलेंगे. 12वां कौन होगा? GT से 12 खेलेंगे. हाँ, ईशान किशन. उसका दिल तो गिल विच तेरे लिए टाइम काट के. जय दोस्तों, मेरा नाम राजेश. मेरा नाम है दोस्तों शुभम. और एनिमल के सारे शोर शराबे के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए, क्रिकेट वीडियोस भी आती हैं यहाँ पे और क्रिकेट के जगत में भी थोड़ा हलचल होनी शुरू हो चुकी है. एक एनिमल है भाई क्रिकेट में, मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस एक ऐसा एनिमल है जिससे आप नहीं बच सकते. अगर IPL में आपको खेलना है, लीग उन्हीं के हिसाब से चलती है. बिल्कुल भाई, वो जो बोलेंगे आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. फ्रेंचाइजी हो, आप बोर्ड हो, कुछ भी हो. एक हिस्ट्री रही है मुंबई इंडियंस की, पहले भी उन्होंने स्टील किया है लिटरली ट्रेंट बोल्ट को, क्विंटन डिकॉक को, हार्दिक पांड्या को. ट्रेड वर्ड यूज हो रहा है बट मैं स्टील वर्ड यूज करना चाहूंगा. लिटरली जिस तरीके से हुआ है, बिल्कुल गुजरात टाइटंस के 5 बजे ब्रॉडकास्टर ने डाल दिया. पहले पूरी अटकलें चलती रही कि होगा 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 होगा, उसके बाद 5 बजे खबर आई कि नहीं होगा. हाँ, और 7:30 बजे खबर आई कि हो गया. मुंबई इंडियंस टू अदर फ्रेंचाइजी. उन्होंने पूरा ये इस तरीके का कर दिया कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान, स्टार ऑलराउंडर, छोड़कर टीम वापस जा रहे हैं मुंबई इंडियंस. वो भी है वो उनके CIO, चीफ इंजरी ऑफिसर. वो वहाँ अब जा रहे हैं, देश के ही है वो, तो देश के ही है. वो बड़ा वाइस है, डेप्यूटी है, टक्कर रहते हैं. बोली क्या मुंबई इंडियंस में भर्ती होने की पहली शर्त ये है कि प्रोन टू इंजरी आप होने चाहिए. अब लग रहा है, है ना, अब तक फिट थे जोफ्रा आर्चर, तो वो उसमें करते हो. हाँ, समाज सेवा में. हाँ, नहीं इनका ऐसा है, योर टेस्ट 21 बाहर 9 आ जा. हाँ, जितना कम योर टेस्ट उतनी टीम में पकड़. लग रहा क्यों रहा है? हाँ, से चोट लगी है उनका ऐसा ही. वहाँ क्यों जा रहा, हमारे कैंप में क्यों नहीं? इनका ऐसा है कि हमारे स्टेडियम से धीरूभाई कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल पास पड़ता है, यहीं रहो. कहाँ, वहाँ अहमदाबाद में इलाज कर रहे हैं देश के खिलाड़ियों का, उसके लिए बुलाते हैं उन्हें. मुंबई इंडियंस इज नॉट अ टीम, इट्स अ हॉस्पिटल. यस, वहाँ पे पूरे भाई इलाज. फुल ड्रामे के साथ हुआ ये कि हार्दिक पांड्या को ये क्या हुआ क्या, वो तो आपको पता ही है. मैं सीरियस कहना चाहूंगा कि क्या हार्दिक पांड्या ने सही किया या गलत किया, इस पे आपकी राय क्या है? देखो, इंसान अगेन पैसे के लिए होता है सब कुछ. हम तो कभी होते हैं कैपिटल वर्ल्ड है, सब कुछ पैसा है, ज्यादा मिल रहा होगा, चला गया भाई, नहीं मना कर पाया. मना भी कैसे करें आप, नहीं मना कर सकते ना भाई, सीधी सी बात. कुछ गलत नहीं किया मेरे हिसाब से भी हार्दिक पांड्या ने. पहली चीज तो वो इतने ज्यादा इंजरी प्रोन है, तो उनको अपना करियर कितना प्रोलोंग कर पाएंगे उन्हें पता है. आप देखो, साल में सिर्फ IPL खेल पाते हैं, बाकी नहीं खेल पाते. इसका दूसरा सेटबैक ये होगा कि शायद T20 वर्ल्ड कप में उन्हें जो कप्तानी मिल सकती थी वो अब नहीं मिलेगी, कि जब आप खेल ही नहीं पाओगे टीम के साथ तो भाई अभी इतने बड़े प्लेयर भी नहीं हो कि आप वहाँ गए हो. लेकिन पैसे को चूज करना और उसमें साले इंटरनेट पे आके उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लॉयल्टी. एक टाइम पे 3 लड़कियों से बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को लॉयल्टी. तुम साले इस इंतजार में हो कि कौन सी DM का जवाब दे दे उससे बाद. हाँ, मैं तो आपसे ही प्यार करता हूं. हाँ, आगे हार्दिक पांड्या को लॉयल्टी. कोई भाई, क्लब क्रिकेट है ये, कोई ऐसा उसने वो देश की. हाँ, बात नहीं है कि भाई देश की टीम को छोड़ के पाकिस्तान से खेलना. ऐसा नहीं है भाई, क्लब क्रिकेट है, क्लब है. इसको वो लीग पूरी पैसे के ऊपर बनी हुई है. हाँ, भाई पैसे के लिए चल रही है वो. तुम भी 15 रुपए दिन के लगाते हो एक सर्टेन वेबसाइट पे और दुआ करते हो कि ना चले हार्दिक पांड्या आज, प्लीज भगवान मेरे 105 हो जाए, इसका पावर प्लेयर है मेरा नहीं है, ये करते हो. तुम भी करते हो. तुम्हारे लिए जब वहाँ मैटर पैसे का हो जाता है तो उस आदमी के लिए भी हो गया. अब ये है कि उसको ज्यादा मिलने सबकी जल रही है. होता है यार, हर स्पोर्ट जो भी लीग बेस्ड स्पोर्ट्स है उनमें सब में होता है भाई. अबे रोनाल्डो सब छोड़ छाड़ के कहां मिडिल ईस्ट में खेलना आ गया यार, तो उसको रेगिस्तान में खेल रहा है. पोर्टुगीज की जनता क्या उसे गदर इश्क.
हमारी लीग छोड़ के भाग गया तू है, ये थोड़ी चल गद्दारी है भाई। इस बार इसे गोल्डन बूट नहीं गोल्डन गद्दार का अवार्ड दिया जाए। दीवार पे लिखा है उसके गद्दारिस्तो, स्पेनिश में लिख दिया बार्सिलोना में उसके घर के बाहर, मैड्रिड में, ये थोड़ी चल रहा होगा यार। थोड़ा इतना इमोशंस पे रन करना बंद करो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इतना एंटरटेनिंग, वो 3-4 घंटे मैं भूल गया था ट्रेविस हेड ने 19 तारीख को क्या किया था। और इस सब में आरसीबी ने कहा कि एक सेकंड, ऐसे उन्होंने देखा इधर से एक तीर निकला उधर छोड़ा उछाल दिया आरसीबी ने, अपना हाथ भी नहीं पिछवाड़ा ही छाल दिया हवा में। उन्होंने कैमरन ग्रीन ले लिया यार, 17 करोड़ में कैमरन ग्रीन को उठा के रख लिया अपने पास यार। कह रहे मुंबई इंडियंस पार्टियां नहीं ले पा रही, पैसे कम पड़ो हम है ना, उनका है कि ट्रॉफी जीतने के अलावा जो करना है सब करेंगे। उनके तो ये इनिशिएटिव देख, लाल जर्सी पहन के खेलेंगे, हरी पहन के खेलेंगे, गुलाबी पहन के खेलेंगे, करेंगे वो करेंगे, बिजली बचाने वाला हम भी करेंगे, एनवायरमेंट भी बचाएंगे, ट्रॉफी जैसे ही बात है ट्रॉफी की हमें नहीं चाहिए भाई उन्हें। और सोच मतलब सारी टीमों की रिटेंशन पे अगर हम बात करें तो मतलब उन्होंने बॉलर निकाल दिया यार अपने सारे, और जबकि उन्हें बॉलर ही चाहिए भाई। अरे उस ग्राउंड में अच्छे बॉलर, हर्षल पटेल बाहर, ये तो अपना शायद अवेलेबल ही नहीं है सिराज। जिस दिन सिराज चला जाएगा आरसीबी से, आरसीबी का ये सीजन नहीं खेलेंगे हम, अगले साल आएंगे बैन ले लेंगे अपने ऊपर एक साल का, बिना सिराज के कोई आरसीबी नहीं है। अरे हेजलवुड, हेजलवुड के फादर शायद वगैरह, मतलब उनकी बॉलिंग बिल्कुल खाली हो गई है भाई, और आरसीबी का थोड़ी बहुत बनी हुई उनका इतिहास रहा है। उन्होंने एक सीजन क्या किया, चहल को निकाल दिया, 7.5 करोड़ का था चहल, जो भी के इसे रिटेन नहीं करेंगे इसे रहने देते, चहल तो मिला ही नहीं, हसरंगा खरीद के लाए 10-11 करोड़ का, चहल का रिप्लेसमेंट वो खेला नहीं, अब उसे भी रिलीज कर दिया उन्होंने ढंग से। और अब इनके पास 23.5 करोड़ का पर्स बचा है बस खुला। अरे कैमरन ग्रीन पे लुटा देंगे सारा दुनिया लुटा देंगे। तो इस बात का तो गुस्सा रहो कि ये लौंडा ऑस्ट्रेलिया का है, एक महीने का तो गुस्सा रखो कम से कम, कुछ नहीं और कोई बड़ी बात नहीं, 23 करोड़ में 18 ट्रेविस हेड को भी दे दे, उन्हें पता नहीं किसने बता रहेगा कि तो 5 फॉरेनर खेलते हैं टीम में ऑलरेडी। मैक्सवेल है आपका कैप्टन फॉरेनर है, फाफ डू प्लेसी, कैमरन ग्रीन भी भर लिया आपने, कोहली खेलेगा, रजत पाटीदार है, शाहबाज अहमद जो भाई ऑलमोस्ट इंडिया टीम तक पहुंच गया था ऑलराउंडर, उसे आपने बाहर कर दिया, दिनेश कार्तिक आपने ले रखा, कितने बल्लेबाज भरोगे भाई, इम्पैक्ट प्लेयर एक ही होता है पता है ना, ये तो नहीं कि 4 मिलेंगे उधर से, जब अब बॉलिंग आएगी अभी तो 4 बम बदल के खिला लेंगे। का पता नहीं भाई कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और ऐसे होता है ना कि बाकी सब कोच वगैरह आते हैं तो अपनी सोच लेके आते हैं, कोई आ जाए उसकी सोच आरसीबी वाली हो जाती है, उसकी वही होती है, वो प्लेयर चल रहा है उसको ले लो, उसको ले लो और उसका फिर एवरेज खराब करा देंगे, यहाँ भी उसको बुरा करा देंगे, उसको इतने पैसे दो कि वो पैसों में ही गिनता रहे और मैदान में ना आए। कैमरन ग्रीन सीएसके के पास भी गए थे, उम्र उनकी 12 साल कम पाई गई, भगा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स अकेली ऐसी टीम है जो एज इट इज सेम डे उठ के लेजेंड्स लीग खेल सकते, किसी भी पूरी टीम रिटायर होकर खेल सकती है, पूरी पूरी टीम कैपेबल है, हाँ चलो कल से लेजेंड्स लीग में भर्ती हो जाएंगे, आईपीएल से कुछ हो गया अपना तो सिलेक्शन, अब वो बात चलिए मनीष पांडे को करेंगे और रिवाइव कर देंगे। मनीष पांडे का भी सुना मैंने और मयंक अग्रवाल का भी सुना, नहीं मयंक अग्रवाल तो रह गया हैदराबाद में, अच्छा रिलीज नहीं हुआ उसके रूमर थे, वर्ल्ड कप खेलेगा देख लेना गारंटी से, मैं कह रहा हूँ मनीष पांडे नंबर 4 है इंडिया, सूर्य उसके चक्कर में 6 खेलेगा मनीष पांडे, 4 पे रहने 3 पे, क्योंकि ये आईपीएल के रन बनाएंगे भाई, रन यही बनाएंगे, देख ले दोनों रन बनाएंगे, थाला पता नहीं कौन सा चवनप्राश खिला देते हैं मैच से पहले, तुषार देशपांडे और पतिराना काल देख लो क्या हुआ है वर्ल्ड कप में, और अभी यहां के तुषार देशपांडे ये सब ऐसे भाई, ये बिना थाला के कुछ नहीं है ये प्लेयर, फिर आके विकेट ले लेगा वो, लेगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ के फिर अलग बॉलर हो जाएगा, पता थाला क्या कर देते हैं ऐसा, कौन सा मुकेश कुमार दे दिया थाला ने, इसको दे दिया टीम को दे दिया ना, तीनों फॉरवर्ड नहीं नहीं ये मुकेश कुमार नहीं, वो मुकेश चौधरी है जो थाला का, अच्छा मुकेश चौधरी, ये तो दिल्ली कैपिटल्स का, ये मुकेश कुमार उसके भाई हर चीज का क्रेडिट भी थाला को मत दो, मैं तो दे देता हूँ भाई, तारीफ ही मिलती है एनिमल के राइटर डायरेक्टर को, तारीफ ही मिलेंगे देख पब्लिक से, संदीप रेड्डी थाला एक दिन वांगा साहब बता रहे कि आई वाज सिटिंग विद धोनी एंड ही गिव मी दिस, ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज वेरी यंग एंड ही यूज्ड टू गेट एंग्री एंड आई एनिमल किसी की भी वैसे बायोपिक हो सकती है बट नॉट माई, उनका मैच उसका था इधर निकले, हो सकता है कल को निकला है माही भाई गुस्से में हो गए थे जब सब कुछ ही चला, दिशा पाटनी गाड़ी पलट गई थी उसके बाद माही भाई हो गए थे इस लेवल के एनिमल वो तो था माही भाई का कि यार दिशा पाटनी गाड़ी पलटी किसे गुस्सा आएगा
इसमें तो मैं माई भाई से मेरी कोई शिकायत नहीं है, रिजा पार्टी गाली गाड़ी पलटेगी ना तो फिर आदमी का होता है सब कुछ ही जला देंगे उसमें माई भाई का कोई दोष ही नहीं है, सब कुछ ही जला देंगे। वो गाड़ी में सवारी कौन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही बात है, सही बात। बट यस, बाकी टीमों ने तो छुटपुट छुटपुटी किया, ज्यादा हेडलाइंस एमआई जीटी और जीटी ने भी तुरंत शुभमन गिल को कप्तानी दे दी है, तो इसे भी शुभमन गिल ने भी कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है कि लॉयल्टी वर्ड यूज करते हैं यार उन्होंने भी, जिससे आई डोंट थिंक उसका ऐसा कहना का वो पर्पस होगा, आई थिंक वो बोल दिया उसने भी। बट जैसे बुमराह ने भी फिर एक स्टोरी डाल दी, बुमराह ने भी बोल यार इससे हलचल तो मचनी ही थी, क्योंकि जो अपना आपको नेक्स्ट फ्यूचर देखेगा उसमें तो ईगो हर्ट होगा ही उसका। लेकिन बुमराह को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप आरसीबी आपको 20 करोड़ मांगी लेगी नहीं, बुमराह तो जिस टीम में चला जाए उसमें बुमराह को तो दोनों हाथ पे लगे बंदे खड़े हैं टीम में। मेरे को लग रहा है अपने कप्तान निकाल के बुमराह लेने को तैयार हो जाएंगे किसी भी टीम को अगर ट्रेड मिल जाए कि भाई इसके बदले बुमराह दे दो। और बुमराह ने किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टनसी, टी ट्वेंटी में भी सही है, बॉलर भी बहुत तगड़ा है बुमराह के चारों ओवर तो। बट अभी मेन मैटर ये है कि ये जो इतने कलेश हो गए भाई, और ये क्या हाँ इससे टीम इंडिया पे भी असर पड़ेगा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली बुमराह पांड्या को एक दिन आगे तो शेयर करना ही है, वो मुझे लगता है कि इतने प्रोफेशनल होते हैं हाँ सलाह उस बिठा के बातचीत करा दी जाएगी और हो जाएगा, वो होगा क्लब क्रिकेट है यार। और दूसरा ये कितना आसान हो गया है कि अपना गुस्सा जाहिर करना है तो स्टोरी डाल दो अनफॉलो, ये तो बेस्ट चीज हो गई है ना, पहले क्या रेजिंग नहीं चले, फॉलो नहीं करता था कभी मुंबई इंडियंस को, ऐसा भी लोगों ने बोला कि वो पहले भी कभी नहीं करता था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साइलेंस भी उसने अपनी बच्चे के लिए डाला था, ज्यादा रो रहा था तो उसने लिख दिया कि सम टाइम्स इट्स बेस्ट टू बी साइलेंट, यार बस कर दे यार कितना रोएगा, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है टीम से मैटर ही ना हुआ। मोटा भाई आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं कोई नहीं बोल सकता है भाई, चाहिए तो चाहिए, हो सकता है मोटा भाई ने डाला, बहुत बोल रहा था बुमराह, बहुत बोल रहा हूँ इधर के, अरे उन्होंने तो वहीं से डाल दिया होगा अपने जियो के सेटअप से, जो भी होगा प्लेयर गए भगते भगते का कप्तानी तो हमें बीच थी। अब क्या लगता है इस सीजन रोहित शर्मा कैप्टन या फिर वो, यार आइडियली तो अभी बैटन को रोहित शर्मा इफ ही इज गोना प्ले, I don't think he's ready to play under Pandya's captaincy. To be honest, especially Pandya ने जितने घटिया statement दिए थे उनके लिए last time, वो misquote भी नहीं था, बहुत clearly बोला था कि भाई Chennai Super Kings में culture है player बनाने का और Mumbai Indians तो star player लेती है, बहुत clearly ये बोला था। और फिर रोहित शर्मा ने आगे गिनाए थे, जवाब दिया था रोहित शर्मा ने कि नहीं हमने Pandya brothers, बुमराह ये सब बनाए हैं, ईशान किशन सूर्य कुमार यादव ये सब मुंबई आके ही मैच्योर हुए हैं, ये तो है यार। तो आप ऐसे वो नहीं करते, मतलब बहुत ये वैसा हो गया कि यार जिससे पंगे लिए उसी को आपकी जरूरत भी पड़ गई, आप चले भी गए करते ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ एक वर्ड होता है ना, कैसा वर्ड होता है बता, ऐसा कि जैसे थूक के निकल लेना, इस टाइप का एक वर्ड नहीं होता, स्वेलो स्वेलो द पिल, वैसे ही हुआ है और क्या बहुत, मतलब लेकिन ये यार कि इंटरेस्टिंग तो हो गया आईपीएल, अब मुझे प्री ऑक्शन इतना इंटरेस्टिंग हो गया, राइवलरी क्रिएट हो गई है, जीटी वर्सेस एमआई इन सरदार मोदी स्टेडियम, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अब भाई साहब गुजराती में गालियां पड़ रही है हार्दिक पांड्या को क्या किया गया, इनकी तो गालियां भी सही होती है काफी हिंदी से क्लोज ही होती है, समझ में आएगी सबको, वो ये भी नहीं कि टीवी पे किसी को क्या बोल, सोचो हार्दिक इस बार शुभमन गिल जिता दे, अब वो बहुत नेहरा जी तो वही है, नेहरा जी तो वही है, और क्या नहीं, वैसे मुझे लगता है कि एज ए प्लेयर पांड्या का जाना उतना गुजरात टाइटंस के लिए वो नहीं है, ही वाज द कैप्टन बट उसने मैच नहीं जीता है, उनके मैच विनर है राशिद खान, और अगर तीन बॉल में 19 रन चाहिए तो राहुल तेवतिया और डेविड मिलर, उसके बाद मोहम्मद शमी, स्टार से भरी हुई है, बढ़िया टीम है, उनका बाहर कौन बैठता है, केन विलियमसन, दसुन शाना का भी रिलीज कर दिया उन्होंने, तो मतलब एशिया कप चैंपियन और बड़े बड़े कैप्टन तो वो बाहर बिठाते थे, तो राइवलरी तगड़ी होने वाली है, और अच्छी बात है शुभमन गिल अगर हाँ आपने दिखाया उनमें है कि नहीं, दिखाया और हो सकता है देश को नया कैप्टन भी मिले, फ्यूचर कैप्टन, जब एमआई वर्सेस जीटी होगा तो जीटी से 12 प्लेयर खेलेंगे, 12वां कौन होगा, जीटी से 12 खेलेंगे ईशान किशन उसका दिल तो गिल विच तेरे लिए टाइम कट के उसी के लिए धड़कता है, पर ऑलरेडी आईपीएल की यही ब्यूटी है यार कि रिटेंशन ट्रेड रेट इसमें इतनी बस बना दी आईपीएल ने, कोई कुछ भी माने ना माने फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इज आईपीएल, इतनी न्यूज वो बना देता है ना, है इतनी व्यूअरशिप है, लोगों को इंतजार रहता है, मजा आता है यार, मजा आता है, कोई कभी ऐसा हो जाएगा इंडियन टीम में, वैसे तो इंडियन टीम का भी जो सिलेक्शन हुआ उस पर अलग से हम वीडियो कर रहे हैं वो बताएंगे, वो भी अपने आप में पूरी भसड़ है, बट ये वाली चीज है 5 बजे कुछ हो रहा है, 7 बजे कुछ हो रहा है, और तीर लेके आरती भी अपने सुबह 9 बजे उछाल देती है, ऐसे कैसे किसी और के मजे क्या ले सकते हो तुम, हमारे ले लो यार प्लीज, पांड्या के डिसीजन को अपना फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी नाइंसाफी बुमराह वगैरह के साथ हो जाएगी अगर
ये आगे कैप्टन बन गए। सूर्य कुमार यादव भी उनके वाइस कैप्टन है यार, अभी उस टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, वहाँ भी वाइस कैप्टन है, बहुत बसड़ हो जाएगी। वैसा वाला होगा, जैसे रैना भाई का भी एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें आकाश चोपड़ा उनसे पूछ रहे हैं कि आपको और टीमों ने अप्रोच किया होगा, जाओ कैप्टन बन जाओ, तो बोले कि नहीं माही भाई ने मुझे बोला नहीं कहीं नहीं जाना, तू कैप्टन मैं वाइस कैप्टन बस। अब इतने चिल हो गए, वो चीज बताइए ऐसे क्लियर है, वाइस कैप्टन मैं कैप्टन तू वाइस कैप्टन, उनकी माही भाई इसकी कैप्टनशिप खेल रहे हैं वहां भी दोस्तों, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया मैं कैप्टन तू वाइस कैप्टन बस दोनों भाई खेलेंगे, तो यही होगा ऐसे। अगर आप कोहली के भी ऐसा इंटरव्यू है कि हमने मेरे को तो आया ये सब हुआ, बट ये माहौल रहेगा तो भाई सब ठीक रहेगा, अदरवाइज भसड़ तो मचेगी भाई, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं तो भसड़ तो मचेगी टीम में, हैवी ड्रेसिंग रूम हो जाएगा और क्या यार, उनके विदेशी भी तगड़े हैं यार, सब सब तगड़े भाई वो टीम, और जो तगड़ा कहीं और का दिखता है मतलब उनका वो है ऐसे बुला लेते हैं, उनका क्रिटिसिज्म तो उस चीज पे हो रहा है कि रोहित शर्मा बताओ सेमीफाइनल तक ले जा पा रहा है, उनको ट्रॉफी से कम हार लगती है हर चीज, ट्रॉफी से कम है तो बैड सीजन, ट्रॉफी जीत गए तो सही है वरना बैड सीजन, अभी सबसे सक्सेसफुल टीम तो है ही वो। चलिए इस पे आपकी क्या राय है हार्दिक पांड्या के पूरे इस पे, और कौन सी टीम आपको सबसे हल्की सबसे मजबूत लग रही है प्री ऑक्शन अभी, तो बाकी जिसकी जो जरूरत है वो तो वो अपनी ऑक्शन में पूरी कर लेंगे। क्या लगता है अब जो नए ट्रेविस हेड जैसे और जो नए बल्लेबाज चमके हैं, ट्रेविस हेड रचिन रविंद्र सबसे बड़े, ये सब रचिन रविंद्र, ये दोनों कहां जाएंगे, कौन इन पे पैसा लगाएगा, चेन्नई पे पैसा है, रचिन रविंद्र तो वहीं जा रहा है, स्टीफन फ्लेमिंग भी मिलेंगे मिड सेंटर, उसके गांव के भी तीन चार लोग हैं बेचारे को होम सिकनेस नहीं लगेगा वहीं जाए, और आरसीबी पे पैसे बचे नहीं, नहीं तो आरसीबी भी जाती बैंगलोर बॉय के लिए, क्योंकि विदेशी बड़ा इंग्लिश बोलता है, अब मेरे सारे पैसे ले जा, आ जा मेरे सारे पैसे ले जा, अपने बेचारे गरीब हर्षल पटेल को 10 करोड़ मिल रहे थे निकाल दिया उसे, हसरंगा को मिल रहे थे निकाल दिया उसे, चहल को मिल रहे थे निकाल दिया उसे, गोरा है 15 करोड़ चाहिए ले जाना हमसे ले ले, अरे आया ले मुद्दे मेरे सारे इस पे कोई दिक्कत नहीं है, अबे नहीं खिलाएंगे तुझे, नहीं लेंगे तुझे लेहान में भी, आ जा बस इधर बैठ, इंग्लिश में बात करा मैं दोस्तों के साथ ये चाहिए उन्हें बस, हवाबाजी अपनी पूरी मेंटेन रहे, टीम कैसा खेल रहा है कोई मतलब नहीं, इतना दिल दुखाते ना ये आरसीबी फैन, जितने इनके फैन है उतना ही काटते लोग इनके फैन का, वो है कि जीत गए ना कल छोड़ दूंगा टीम, डील है जीतने दे रहे, जीतने दे रहे, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू आईपीएल ऑक्शन जो कि दिसंबर में हो जाएंगे 26 तारीख को, तब उसका डिस्कशन करेंगे, बाकी अभी आपको क्या टीम कौन सी कैसी लग रही है वो बताएं, और पांड्या के जो ये इतने पोलराइजिंग ओपिनियन आ रहे हैं पूरे इशू पे, इस पे आपका क्या कहना है, बहुत हेट मिल रही है उनको जो मुझे नहीं लगता उतनी मिलनी चाहिए, बट व्हाट डू यू थिंक, किसी को पैसा मिलेगा कोई नहीं छोड़ने का, बताइए।